सभी बहनों को हमारा हृदय से हार्दिक अभिनंदन। हमारे घर पे जो मिलेट प्रोग्राम का ऑर्गेनाइज किया हुआ है, अभी हमारी नेशनल प्रेसिडेंट वनिती अक्का के नेतृत्व में ये प्रोग्राम हम लोग करते हैं। और हमारा मोदी जी बोले कि ये मंथ बहुत ही अच्छा, मतलब मिलेट जो हमारा बॉडी के लिए जो प्रोटीन मिनरल्स मिलता है उसके लिए एक प्रोग्राम, जैसा कि रागी हो गया, जैसा ज्वार बाजरा की रोटी, हम अपने घर में ये मतलब खाने के लिए मोदी जी प्रोत्साहित भी करते हैं। और हमारी वनिती अक्का के नेतृत्व में सारे मतलब हमारे सारे इंडिया हमारे मोदी जी बोले हैं कि यहाँ पे मतलब जितने भी प्रोटीन्स का मिलना है हमारे बॉडी में, तो हम इसका मिनरल्स हमें कैसा मिलता है, बॉडी में क्या क्या इसका उपलब्धियाँ होती है, तो इसके वजह से हम लोग एक जागरूकता का प्रोग्राम करते हैं। और हमारे मोदी जी जो हमें ये प्रोटीन्स मिनरल्स से होने वाली बीमारियों को भी बचाने के लिए ये मंत्र मतलब हम लोग के लिए बोले हैं कि जैसा दुकानदार हो गया, विक्रेता हो गया, आंगनवाड़ी वर्कर्स हो गए, आंगनवाड़ी के जो बच्चे रहते हैं उनको कैसा हम प्रोटीन देंगे, उन तक कैसे हम प्रोटीन पहुँचाएंगे, तो ये सारा प्रोग्राम मिलकर ही हमें उन तक पहुँचाने के लिए ये मंथ को चूज़ किया गया है। और हमारा ये मिलेट प्रोग्राम के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा बहनों को जोड़कर जो भी है हम इसको प्रोग्राम को करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। मेरे पास नमस्कार दीदी, आपने इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और इतने सारे लोग इतना अच्छा से हमारे सारे पदाधिकारी हैं, इतना अच्छा अच्छा वैराइटीज मतलब फूड बना के लेके आए। जैसे कि संजय जी आप अपना फूड के बारे में बताएंगे, ये मैं बना के लाई हूँ। देखिए ये बाजरा का रोटी है। बाजरा का आटा को गर्म पानी से थोड़ा सा मैश करके थोड़ा देर के लिए रख दे तो बहुत ही स्पॉन्जी बन जाएगा। अच्छा से हम लोग जैसा आटा का रोटी बनाते हैं वैसा बाजरा का रोटी भी हम लोग बना सकते हैं, बहुत ही स्मूथ। लेकिन गर्म पानी से थोड़ा सा उसको भूनना है और जैसा मैं बनाई वैसे आप भी बना सकते हैं। थोड़ा ऊपर से देसी घी लगा सकते हैं। तो इतना कहकर मैं अपना तो फिर समाप्त करती हूँ वक्तव्य। आप संध्या? मैं संध्या हूँ और मैंने बनाया ये ब्राउनी केक जो चॉकलेट गैनेश के साथ है। ये सबसे अच्छा होता है, रागी केक है। इसके बदले में जो मैदा का केक बनाया जाता है वो सबसे हेल्थ के लिए बहुत हानिकारक होता है, जो कि उसके बदले में अगर आप रागी का केक बनाएं, और केक बनाना सबसे बच्चों को खिलाना सबसे आसान होता है, पता ही नहीं चलता कि ये क्या का केक बना हुआ है। तो अगर आप ये केक उनको खिलाएंगे रागी से बना हुआ तो ये सबसे अच्छा होगा बच्चों के लिए, उनके हेल्थ के लिए, और सबसे आसान भी होता है। ना कोई मेहनत है, कुछ नहीं है, बस आप बना उसको सब इंग्रेडिएंट्स जितने भी होते हैं उनको मिलाइए, गैस पे चढ़ाइए, वो तैयार है और सर्व कर दीजिए। सबसे और सबसे मज़ेदार। बहुत ही अच्छा संध्या जी आपने बोला। और मैं अपना नाम यहाँ नहीं बोली, मेरा नाम आरप्रीति सुनील है और मैं स्टेट वाइस प्रेसिडेंट हूँ महिला मोर्चा बीजेपी। जय श्री राम सबको। मैंने लोबिया सीड बनाया हुआ है, ये आप सुबह का नाश्ते में बना सकते हैं। इसका बहुत सारा वैरायटी बनता है, इसमें वड़ा बनता है, इसका डोसा बनते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ इसको उबाल के जो इन्ग्रीडियंट्स वगैरह डाल के गार्निश किया हुआ है। इसमें बहुत सारे मिनरल्स हैं, कैल्शियम है, और ये शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है। इसको भी डेली फूड में हमको इन्वॉल्व करना चाहिए। नमस्कार, मैं स्टेट वाइस प्रेसिडेंट मेला मोर्चा की, मैं रागी का लड्डू बनाई हूँ जो कि बहुत ही अच्छा हेल्थ के लिए। हमारा जो रागी का लड्डू है बहुत ही बढ़िया है और इसको जो है हम जो ज़्यादातर हम बाहर का जो लड्डू खाते हैं और रागी का लड्डू में इतना डिफरेंट है कि हमारा हर हड्डी का जो कैल्शियम जो कम हो जाता है उसको भरपूर मात्रा में पूरा करता है और हम बीमारी से भी बचेंगे, आगे हमारा हेल्थ भी अच्छा होगा। हमारे बच्चों को भी हम कोशिश करें कि रागी ज्वार बाजरा का ही डिश बना के उनको दे ताकि उनका हेल्थ अच्छा रहे। सुशीला जी नमस्कार, बहुत बहुत आप अपना शब्द भी मोटा अनाज क्यों लाभदायक होता है ये चीज़ आप बताइए प्लीज, क्योंकि आप कितने सालों से अमन मोटा अनाज खाने का वजह से देखो इतना उम्र होने के बावजूद भी देखो कितना सुंदर स्वस्थ है दोनों। अभी भी हमारे प्रोग्राम में आए आप लोग दोनों, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब हम
मैडम लोग दोनों चीज़ खा रहे हैं।